तो ये सिंपल सा दिखने वाला नेदरराइट आर्मर आज इस पूरे सर्वर की बैंड बजाने वाला है, लेकिन कैसे वीडियो एंड तक देखो पता चल जाएगा। और हाँ, इसकी शुरुआत होती है जब मेरा दोस्त मुझे कुछ इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए अपने सर्वर में बुलाता है। अरे ये दिखाने के लिए बुलाया कि आपने मुझे? व्हाट, ये मेरा बेस किसने तोड़ा? ऐसा आपको लग रहा होगा क्योंकि ये मेरा फेक बेस है, मेरा रियल बेस इसके आगे है। अच्छा यार, लौट यहाँ से, आ जाओ, लेट्स गो। ओ ये आपका बेस क्या? ये मेरा बेस है लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, और क्या? What? Secret areas? Okay. अब देखना, बटन दबाओ। What? ये तो बहुत एपिक है यार। ये देखो, इतनी मेहनत से मैंने आर्मर बनाया। अरे भाई साहब, शुरू में क्या हगू बेस था भाई आपका। और अब भाई अच्छा लग रहा है यार, काफी अच्छा बनाया आपने। देखो अभी ये बीकन को देखो, आउट हुआ। हाँ भाई, ये बीकन क्यों यहाँ पे लगाया हुआ है? यहाँ पे तो चलेगा नहीं ना, वरना बाय रोशनी चली जाएगी। अभी देखना। What? देखो, जब आपको कुछ करना होता है तो आप इस बीकन को इजीली एक्टिव कर सकते हो। नाइस यार, वास बहुत अच्छा बेस था यार आपका। चलो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, आटे भाई इधर आओ, जल्दी जल्दी। क्या हुआ? इधर मेरे पीछे, आपको इधर ऐसे पर्ल मारना है। अभी भी कुछ बाकी रहता है क्या? ओके आटी भाई, इस ट्रिम को ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने दिन रात एक करके इस आर्मर को बना लिया। बहुत ही रेयर होता है, वार्डन सिटी से मिलते हैं ना। 0.2 चांस है, आपको पता है। चलो निकल, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ। आप अंदर ही तरह दरवाजा खोलो। और अगले ही दिन अब्बास मुझे सर्वर में बुलाता है, लेकिन इस बार सिंपल मूड में नहीं बल्कि अग्रेसिव मूड में। आरटीओ भाई जरा मेरे पीछे आना। क्यों बुलाया अब्बास, क्या हुआ? मैंने तो आपको अपना अच्छा दोस्त समझा था, लेकिन आप ही मेरे दुश्मन निकले। क्या कह रहे हो? और ये तोड़ा क्यों हुआ सर आपने? ये आपने तोड़ा, अभी ज्यादा मासूम ना बनो। ओ भाई अब्बास, पागल हो गए, चोरी का इल्जाम लगा रहे हो मेरे पे। भाई आपने इस बेस के बारे में किसी को भी नहीं पता था, ये सीक्रेट बेस था मेरा। भाई मुझे नहीं पता, मैंने ग्राइंडिंग की थी, मुझे अपना सामान चाहिए, और अगर आप 24 घंटे मुझे मेरा सामान लाके नहीं देते तो मैं आपको सर्वर से ही बैन कर दूंगा और अपने फ्रेंड लिस्ट से भी। क्या कही जा रहे हो? जाओ भाई। यार अब्बास की क्या हरकत है भाई? अगर मैं उसका सामान उसको वापस नहीं लाके दूंगा तो वो मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट से रिमूव कर देगा। यार वो बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको खोना नहीं चाहता यार। यहाँ पे चेस्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे सामान भी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो ऑलरेडी आया हुआ है। और कहाँ से आया हुआ है? व्हाट द हेल, मुझे लगता है अब्बास बीकन ऑफ करना भूल गया था और कोई बंदा ऊपर से आके सब कुछ चोरी करके ले गया। और अब इस सर्वर में एक ही टीम है जिसके अंदर टोटल 3 मेंबर्स हैं, और किस बंदे ने ये चोरी की है इसका पता लगाने के लिए मैं अपने एक दोस्त को स्पाई बना के उनकी टीम के अंदर भेजता हूँ। तो पता चला फिर कुछ? मुझे ये भी पता चल चुका है कि किसने चोरी की है, एंड ये भी पता चल चुका है कि कैसे चोरी की है। एक सेकंड, उधर बीकन किसका है? व्हाट, वो भाई, अबे मैं नीचे जाता हूँ। ले लो किसी का बेस में का सारा सामान है। ओ भाई ये आर्मर ट्रिम, तो बस मैंने इधर से सारा आर्मर ट्रिम उठा लिया। जल्दी जल्दी मेरे पास बैंडेजेस में डाल देता हूँ सारा सामान। और इधर और कुछ कुछ रह तो नहीं गया ना, मेरा टोटम ले लेता हूँ। और इधर कुछ, एक सेकंड, इधर आवाज आ रहा है कुछ किसी चीज का, तो बस मैं इसके अंदर जाता हूँ। ओ फाइनली किसी में इसको लेने जा रहा हूँ। हार्मा क्या भाई, मैंने इसके लिए कितना, ओ लेट्स गो। एक्स कर, मुझे इधर शक हो रहा है कि मुझे ट्रैप है, मैं एक बार तोड़ के देखूँ क्या। भाई इसमें ट्रैप था, मैं अभी जैसे चलता हूँ, जब से पहले कोई आ ना जाए बस। अच्छा अब ये बताओ हमें आर्मर्स कहाँ से मिलने वाले हैं? मुझे ये तो नहीं पता कि वो आर्मर्स किधर हैं, लेकिन मैं आपको उस जगह के बारे में बता सकता हूँ जहाँ से आपको कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। सो ओके गाइस, फाइनली मैं इस जगह पे पहुंच चुका हूँ अभी बस। वैसे अभी सर्वर पे कोई नहीं है तो इस वजह से हम यहाँ पे इजीली घूम सकते हैं। और यहाँ पे किसी का पेट बैठा हुआ है। चलो यार यहाँ से थोड़ा टोटम वोटम पकड़ लेते हैं। यार मुझे पता नहीं है आर्मर्स मुझे कहाँ से मिलने वाले हैं। नेदर पोर्टल है सामने, वापस चलते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ से सारा चेक कर लिया, यहाँ पे तो कोई दूर दूर तक आर्मर नहीं पड़ा हुआ। लेट्स सी, अब ये एरिया बस बाकी है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ओके गाइस, अभी मुझे यहाँ पे एक लीवर मिला है। एक मिनट गाइस, मैं सब्सक्राइब का बटन प्रेस नहीं कर पा रहा। आप लोग जल्दी से ट्राई करो कि आप सब्सक्राइब कर पा रहे हो या नहीं। और गाइस आपको पता है क्या, हमारा खुद का माइंड का सर्वर रिलीज हो चुका है जिसका नाम है माइनसर्फ। और यहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम एसएमपी भी खेल सकते हो और अपने दोस्तों के साथ पीवीपी भी कर सकते हो। ये है इसका आईपी और पोर्ट, और मैं भी अपने सर्वर पे आता रहता हूँ। और हाँ, अगर आपके पास प्रीमियम आईडी नहीं है तो आप फ्रैक से भी खेल सकते हो। ओ यहाँ पे टनल है क्या? ओके ओके, यहाँ से नीचे रास्ता है क्या? लेट्स गो। ओ शिट बे, ओ नो 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 नो, ओ भाई ये क्या था? ट्रैप लगा हुआ था भाई, और लिटरली भाई फट गई मेरी। क्या करते हैं भाई ये लोग, निकलो निकलो यहाँ से। और मुझे इस एरिया को भी जल्दी से कवर करना होगा ताकि किसी को शक ना हो कि मैंने इस ट्रैप को एक्टिवेट किया। और अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से चला जाऊं और हार मान जाऊं, या फिर एक ऐसा प्लान बनाऊं जिससे वो आर्मर्स हमें मिल ही जाएंगे। इसी वजह से आरजोर हर वक्त उस बंदे पे नजर रखता है जिसने हमारे आर्मर्स चोरी किए थे, और जैसे उसको किसी लोकेशन का पता चलेगा वो मुझे फौरी बता देगा। गाइस फाइनली मुझे किसी बंदे का नीचे नेम टैग तो नजर आ रहा है। ओ शिट, ओ नो,
एक्सेगन ऊपर कुछ तो फूटा। ओके कोई आ तो नहीं गया इसमें। द हेक मुझे डर लगा। मैं जल्दी से रिप्ले चेक करके आता हूं। ओह व्हाट वो लेफ्ट कर गया क्या? ओके ओके जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ओके यहां क्या लिखा हुआ भाई? आर्मर्स किधर है? ब्रेकिंग ब्लॉक बूम। यार ब्लॉक भी नहीं तोड़ सकते क्या? चूज द राइट वन। ये लेफ्ट राइट वाला राइट है या फिर ये वाला राइट है? अरे यार वो आता होगा, मुझे जल्दी सेलेक्ट करना है, क्या करूं? सो गाइस अभी यहां पे राइट लिखा हुआ है और मैं राइट को ही चूज कर रहा हूं। गो। ओ कुछ हुआ था? कुछ खुला शायद से राइट से वाली। ओ ये रहा। यहाँ पे ट्रैप तो नहीं है? यहाँ पे आर्मर्स पड़े हैं। लेट्स गो। ओ नो बंदा आ गया। ओके गाइस लड़ने का टाइम आ चुका है। ओके गाइस यस लेट्स गो गाइस, मार भी दिया इसको इजीली। सो गाइस बाकी आर्मर तो हमारे पास आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे इशू हो चुका है। जो मेन आर्मर था सबसे रेयरेस्ट वाला वो तो यहाँ पे है ही नहीं भाई। इस वाले लीवर को दुबा के ये वाला रास्ता खुला था। अब देखते हैं इस लीवर को दुबा के कौन सा रास्ता खुलता है। लेट्स गो। अब मुझे समझ आई कि राइट वन क्यों लिखा हुआ था। और अब गाइस चलते हैं अब्बास के पास, उसको जाके आर्मर वापस देते हैं एंड देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन। भाई क्यों बुलाया मुझे? गुड न्यूज अब्बास खान, इधर आओ जल्दी से। आपके सारे के सारे आर्मर्स मैंने बचा लिए हैं, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन एक को छोड़ के। कौन सा एक? वो जो सबसे रेयरेस्ट वाला था भाई। तो मसला तो उसी आर्मर का था ना, बाकी तो मैं अभी बना लूंगा। क्या मतलब भाई? मुझे वही आर्मर चाहिए। अगर आप वाला आर्मर ढूंढ के ना ला पाए तो मुझसे आज के बाद बात मत करना। ओ भाई इतनी मेहनत की मैंने, ये पकड़ लो ये सारे गंदे आर्मर अपने। अजीब बंदा है यार। अब जिसके पास नेदरराइट आर्मर है उसी बंदे से जाके मुझे सीधा बात करनी पड़ेगी। हेलो प्रिंस जैक, क्या हुआ? इधर क्यों बुलाया मुझे? जो आपके पास सबसे रेयरेस्ट वाला नेदरराइट आर्मर है ना वो अभी के अभी मुझे दे दो, उसके बदले मैं आपको 5 नेदरराइट आर्मर दूंगा जो मैंने आपके वहाँ से लिए थे। अब फैसला आपका है कि आपको 1 नेदरराइट आर्मर रखना है या फिर 5। देखो डील तो अच्छा है पर मैं नहीं देने वाला। और अगर मैं आपको उस बंदे का नाम भी बता दूं जिससे मुझे आपके उस सीक्रेट बेस के बारे में बताया था जहाँ पे आर्मर पड़े थे, तो ये बताओगे? ठीक है एंड चेस्ट लगाओ, मैं आपको सबसे पहले आर्मर देता हूँ और आप भी जल्दी से आर्मर निकालो। ओके ये रहे आपके सारे के सारे आर्मर्स। मैं निकाल रहा हूँ, ये लो आपका आर्मर और मुझे उस बंदे का नाम बताओ। ये क्या दे रहा है? अरे भाई किधर निकल गया ये? लेट्स गो, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, मैं एंटर पर मार्क निकाल चुका हूं। भाई देखो आपके साथ बहुत बुरा होगा अगर आपने मेरे साथ ये वाला धोखा किया ना। आराम से आके आर्मर मुझे वापस करके दे जाओ। मैं भी निकाल रहा हूं और कभी नहीं मिलेंगे, बाय बाय। अच्छा जी तो ये बात है। तो इस बंदे ने इस नेदरराइट आर्मर से मेरे और मेरे दोस्त के बीच लड़ाई करवाई और अब टाइम है इस सर्वर में हर एक बंदा एक दूसरे से लड़ने वाला है। जैसे इनके बीच लड़ाई की शुरुआत होगी वैसे ही इस सर्वर की बैंड बजने वाली। So, अभी का इस टाइम आ चुका है सिर्फ और सिर्फ तबाही का। लेट्स गो, इसको हम मारने वाले हैं। और अब जिसका ये पेट था वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने वाला है और अब हम इस पूरे बेस को यहाँ से खत्म करने वाले हैं। इन लोगों ने जो मैक्स विलेजर किए थे ये सब के सब आज जाने वाले हैं। इस सर्वर में कोई बंदा भी खुश नहीं रहेगा। आइए लेट्स गो गाइस, पूरा का पूरा एक सेकंड में तबाह हो चुका है। और अब उसके टीममेट्स के पास चलते हैं और उसको बताते हैं कि ये किसने किया है। हां भाई आपने मुझे क्यों बुलाया यहां? देखो आपकी बेस में आपको कोई पेट था क्या? कोई? हां था एक डॉग। आपका वो पेट भी मर चुका है, आपका वो बेस भी खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी बात आपके साथ आपका टीम लीडर धोखा कर रहा है। इसको तुम्हारा क्या मतलब है? उसे 6 नेदरराइट आर्मर्स मिले थे उसे आपको बताया था क्या? नहीं बताया। बस आपको इतना बताना चाहूंगा जैक आपको धोखा दे रहा है, वो आपके साथ बस गेम खेल रहा है, आप लोगों को यूज करके अपना काम करवाता है, ग्राइंडिंग वगैरह सारी आपसे करवाता है और सर्वर में सारे मजे खुद करता है। बस इतना कहना था, बाकी आपकी मर्जी है, यकीन करना करो जाके अपना बेस भी आप देख सकते हो। बाय बाय। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं कभी भी उसको दोबारा ना बुलाता, बल्कि उल्टा मैं उसका इस सर्वर में दुश्मन बन जाता भाई। उसने मुझे अगर इतना यूज किया होता तो। उसकी ऐसी की तैसी उसने मुझे धोखा दिया क्या? इसको तो मैं अच्छे से कन्विंस कर लेता हूं। और अब बारी है उसके दूसरे टीममेट की। हां तो आपको पता मैंने आपको यहां क्यों बुलाया? क्यों बताओ? आपके जो दो टीममेट्स हैं प्रिंस जैक और डैक दोनों आपको यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए। क्या भाई क्या बोल रहे हो? कुछ भी। और आपको पता उनको पीछे 6 नेदरराइट आर्मर्स मिले थे, उन्होंने आपको कितने नेदरराइट आर्मर्स दिए? एक भी नहीं। तो यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगा लो, वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचते और आप उनके लिए काम करते हो। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी जाके भाई उनसे लड़ने लग जाता भाई। खैर मेरा आपको बस बताना ही था, आगे आपकी मर्जी है जो करना करो। अगर लोगों ने कुछ भी ऐसा किया होगा ना उन लोगों की तो खैर नहीं है। तो और क्या भाई, आप नौकर थोड़ी ना उनके, जो उनके जाके काम करो सिर्फ और सिर्फ। जिसने हमें लड़वाया था हमने उन सबको आपस में लड़वा दिया है, लेकिन अब अब्बास को एक ऐसा सरप्राइज देते हैं जिससे वो बहुत खुश होने वाले। तो अब्बास जिस चीज का आपको वेट था फाइनली वो टाइम आ चुका है। ज्यादा आपसे वेट नहीं करवाऊंगा, ये रहा आपका नेदरराइट आर्मर। यार आठवें मुझे तो लगा कि आप ये आर्मर नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन ये आपको मिला कैसे? इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी।
तो जैसा मैंने आपको बताया आपको वैसा करना है, यही एक लास्ट वे है जिससे हमें वो नेदर आर्मर मिल सकता है। राइट राइट ओके ओके। हेलो जैक। हेलो आर्थर। हाँ बोलो, इधर क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारे दोनों के दोनों टीममेट तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं, एंड अगर तुम नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हें छोड़ के चले जाऊँ तो तुम्हें मुझे अपना वो रेयरेस्ट आर्मर दिखाना होगा जो कि तुमने अब्बास से चोरी किया था। यार ना करो यार, ऐसे भी मेरे दो टीममेट छोड़ के चले जाओगे, अगर तुम भी जाओगे ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ट्रस्ट करके फिर मुझे वापस कर देना। ओके मैं दे रहा हूँ, तुम पे ट्रस्ट कर, तारा दे दे दो। नाइस यार, पहन के देख लो। हाँ देख लो देख, अब तो मेरा टीममेट। व्हाट भाई कहाँ जा रहा हूँ यार? याद है जैक जो तुमने आरटीओ के साथ किया था? थैंक यू आरटीओ, आपने मेरा आर्मर मुझे वापस ला के दिया। चलो आरटीओ मेरे बाकी आर्मर भी दे दो ना। क्या मतलब बाकी आर्मर? वो तो आपके पास थे ना भाई, मेरी कलेक्शन थी आर्मर की, वापस दो मुझे। मतलब अगर वो अब मैं नहीं लाऊंगा तो आप मुझे बुलाओगे नहीं ना? हाँ। भाई आप एक काम करो, मुझे ना बुलाना छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। क्या भाई मेरा आर्मर दो? भाई पागल हो गए हो? आपका आर्मर ढूंढते ढूंढते आज मैं